हेलो भाई, सुपर हीरो मूवी जॉनर में ये एक ऐसी फर्स्ट सुपर हीरो मूवी थी जो कि सुपर हीरो की टीम पर नहीं बल्कि विलेंस की टीम पर बेस्ड थी। बाकी में सुसाइड स्क्वाड एक डिफरेंट एक्शन मूवी थी जिसे फैंस की तरफ से थम्स अप मिला, तो वहीं क्रिटिक्स की तरफ से थम्स डाउन। खैर, डीसी मूवीज अनोन फैक्ट सीरीज में डीसी यूनिवर्स की फर्स्ट टू मूवीज मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वी सुपरमैन के अनोन फैक्ट्स के बारे में बात करने के बाद आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सुसाइड स्क्वाड मूवी के टॉप 10 अनोन फैक्ट्स। फिलहाल अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके ये डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फैक्ट 1, फिलहाल इस मूवी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग विल स्मिथ की थी जिन्होंने इस मूवी में डेड शॉट का रोल प्ले करा था। फैंस की विल स्मिथ से यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो डेड शॉट को अपने एक इंटरेस्टिंग वे में प्ले करेंगे, जो फिलहाल उन्होंने करा भी। के लिए उन्होंने बहुत सी तैयारी करी थी। जैसे डेड शॉट का रोल मिलते ही उन्होंने अपने हेड को सेव कराकर आर्मी रेंजर्स और नेवी सील के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। मूवी में डेड शॉट के पास स्पेशल टेक्निक होती है जिससे वो इम्पॉसिबल निशाने लगा सकता है। फिलहाल इसकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने 9mm हैंडगन और AR-15 गन के साथ ट्रेनिंग की थी, जो वो ट्रेनिंग पीरियड से पहले ही सीख गए थे। फैक्ट 2, फिलहाल वॉकिन फिनिक्स की जोकर मूवी आने के बाद ज्यादातर फैंस जेरेड लीटो को एज ए जोकर तो भूल ही गए होंगे, लेकिन इस मूवी में जोकर का रोल प्ले करने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी। जोकर लव जोकर के कैरेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको सही वे में पोर्ट्रे करने के लिए जेरेड लीटो ने अलग अलग तरह की जोकर लव की प्रैक्टिस करी थी, जिससे वह न्यूयॉर्क और टोरंटो जैसी सिटीज़ में जाकर बहुत से लोगों के बीच में रिपीट करते थे या कहा जाए जोकर की तरह हंसते थे, जहाँ वो ये ऑब्जर्व करते थे कि जोकर की किस तरह की लाफ लोगों को सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल करती है। फैक्ट 3, सुसाइड स्क्वाड मूवी एक विलन की टीम पर बेस्ड थी, इसलिए जरूरी था कि मूवी में इन सभी कैरेक्टर्स के एक्शन सीक्वेंस और स्टंट जेन्युइन लगें, जिस वजह से इस मूवी में ओवरऑल सभी एक्टर्स ने अपने अपने रोल में, चाहे वो डेड शॉट हो, हार्ली क्यून हो, कटाना हो, रिक फ्लैग हो, इन सभी कैरेक्टर के स्टंट खुद ही परफॉर्म करे थे। फैक्ट 4, सुसाइड स्क्वाड मूवी फैंस को इसलिए ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि इस मूवी में दिखाए गए कैरेक्टर मूवमेंट बाकी मूवी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डिफरेंट थे, जैसे जोकर और हार्ली क्वीन की लव स्टोरी, इसके अलावा जोकर और बैटमैन के बीच चेजिंग सीक्वेंस। फिलहाल मूवी में ये सीन जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही मूवी के लिए अच्छा होता, लेकिन वार्नर ब्रोस ने मूवी के ड्यूरेशन को लिमिटेड रखने के लिए इन सभी आइकॉनिक सीन को मूवी के थिएट्रिकल कट से रिमूव कर दिया था। फैक्ट 5, सुसाइड स्क्वाड ऐसी पहली सुपर हीरो मूवी बनी है जिसे अपने कैरेक्टर मेकअप के लिए ऑस्कर मिला था, क्योंकि इस मूवी में कैरेक्टर मेकअप पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे जेरेड लीटो को जोकर बनाने के लिए उनका मेकअप में कुछ की पॉइंट ऐड किए गए थे, जैसे जेरेड लीटो की लेफ्ट आई के नीचे हाहा का टैटू बनाया गया है जो जोकर के लाफ का रेफरेंस देता है। साथ ही उनके हेयर से लेकर उनकी ड्रेस तक सब कुछ कॉमिक एक्यूरेट रखने की कोशिश की गई है, जिस वजह से जेरेड लीटो को इस मूवी में जोकर बनने में टोटल 4 से 5 घंटे लगते थे। फैक्ट 6, मूवी में दिखाया गया ये हेलीकॉप्टर क्रैश सीन डायरेक्टर डेविड आयर ने एक स्पेशल स्ट्रेटजी से शूट करा था। फिलहाल मूवी में ये सीन तो मूवी के बीच में प्लेस होता है, लेकिन डायरेक्टर डेविड आयर ने इस क्रैश सीन को मूवी की शूटिंग के आखिरी दिन शूट करा था, ये सोचकर कि अगर इस सीन में कोई भी एक्टर इंजर्ड हो जाता है तो उन्हें मूवी की शूटिंग को डिले नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट 7, सुसाइड स्क्वाड मूवी के लिए एडविल एक्नियो को एज ए किलर क्रॉक कास्ट किया गया था, जिसके बाद फिलहाल एडविल ने किलर क्रॉक के रोल की तैयारी के लिए क्रोकोडाइल पर काफ़ी रिसर्च करी थी कि क्रोकोडाइल कैसे रहते हैं और वो कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कॉमिक्स में भी क्लक रॉक के रोल की सभी कॉमिक्स को पढ़ा था, जिससे उन्हें ये आइडिया मिल सके कि उन्हें मूवी में कैसा परफॉर्म करना है। फैक्ट 8, इंचेंट्रेस एक ऐसा करेक्टर है जो मार्वल और डीसी की दोनों ही यूनिवर्स में अपेयर होता है, जहाँ मार्वल यूनिवर्स में इंचेंट्रेस थॉर की एनिमी है जिसके पास कई मैजिकल पावर हैं, जो फिलहाल डीसी के इंचेंट्रेस के पास भी हैं, लेकिन डीसी यूनिवर्स में इंचेंट्रेस पूरी तरह से विलन नहीं है, जिस वजह से डीसी यूनिवर्स में इंचेंट्रेस को एंटी हीरो की कैटेगरी में रखा जाता है, और फिलहाल इस मूवी की स्टोरी लाइन में भी कुछ ऐसे ही दिखाया गया है। फैक्ट 9, सुसाइड स्क्वाड मूवी में कई ढेर सारे आइकॉनिक कैरेक्टर थे जिन्हें फिलहाल मूवी के फर्स्ट वर्जन में कई अलग अलग एक्टर प्ले करने वाले थे। जैसे पहले इस मूवी में रायन गॉसलिंग जोकर बन रहे थे और रिक फ्लैग का रोल वेनम एक्टर टॉम हार्डी को मिल रहा था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से ये एक्टर इस मूवी का पार्ट नहीं बन पाए। यही नहीं, इसके अलावा ऑक्टेविया स्पेंसर को इस मूवी में अवांडा वॉलर का रोल ऑफर किया गया था। फैक्ट 10, पहली बार इस मूवी से ऐसा दिखाया गया है कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर भी एक विलन हो सकता है, क्योंकि ये मूवी सुसाइड स्क्वाड के टीम मेंबर जो सभी विलन हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई थी, इसलिए इस मूवी में पहली बार बैटमैन को एक विलन की तरह शो किया गया था। इसके अलावा अवांडा वॉलर का रोल प्ले करने के लिए वियोला डेविस ने क्रिमिनल साइकोलॉजी की कई ढेर सारी बुक्स पढ़ी थी। सुसाइड स्क्वाड मूवी के लिए बेन एफ्लेक को बैटमैन के रोल के लिए उतना ही पेचेक मिला था जितना उन्हें बैटमैन वी सुपरमैन में मिला था,
मूवी में दिखाए गए ज्यादातर सभी कैरेक्टर्स के आउटफिट या कॉस्ट्यूम डीसी की न्यू 52 टाइमलाइन से इंस्पायर्ड थे। सो गाइस, इस तरह से ये थे सुसाइड स्क्वाड मूवी के टॉप 10 अनोन फैक्ट्स। आई होप आपको इस वीडियो में इस मूवी से रिलेटेड कुछ नई बातें और इंटरेस्टिंग बातें पता चली होंगी। तो इसी के नोट पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूरी सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।